गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल टुडे? डिड यू एंजॉय द वेदर यस्टरडे? इट वॉज रेनिंग, राइट? बहुत अच्छा मौसम था कल. सो आई एम मिताली, योर सोशल साइंस टीचर, एंड एज यू नो वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 1, विच इज ग्लोब्स एंड मैप्स. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वट इज अ मैप एंड वट आर इट्स टाइप्स. यस, सो टुडे I want to tell you about the features of a map. So, the topic of today is features of a map. Suppose, I will give you a map. अगर मैं आपको एक map दे दूँ, तो आपको लगता है कि आप उसको properly समझ पाओगे? No, you won't be able to understand this because हर map की ना अपनी एक language होती है. जैसे हमारी अपनी language है, we used to talk in Hindi or in English and sometimes at Haryanvi also, right? So, just like that, हर मैप की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है. अब उस लैंग्वेज में क्या क्या होता है, कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होती हैं. तो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू टुडे. सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइंस एंड द सिंबल्स. अगर आपने कभी मैप देखा हो, तो आपने उसमें देखा होगा दैट वन की इज़ गिवन ऑन दैट मैप एंड ऑन दैट वन की कुछ कुछ लिखा हुआ होता है कि कैपिटल्स देयर, सम सिंबल इज देयर. और जब हम कभी अपने मम्मी पापा के साथ कहीं पर ट्रैवल करते हैं, सपोज आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली, अगर मैं दिल्ली जा रही हूँ एंड आई एम ड्राइविंग माई कार, मैंने एक मैप अपने हाथ में रखा हुआ है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट GPRS ऑन फोन, गूगल मैप्स नहीं खोलना है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैप ऑन अ पेपर. सपोज मैंने एक दिल्ली का मैप अपने हाथ में रखा हुआ है, तो उस पर मुझे क्या क्या नज़र आ रहा है, कुछ एच सिंबल नज़र आ रहा है, कुछ एम नज़र आ रहा है, कहीं पे प्लस बना हुआ नज़र आ रहा है. सो अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या हैं, इफ़ आई डोंट नो व्हाट इज एच, व्हाट इज एम, व्हाट इज प्लस एंड व्हाट इज डॉटेड लाइन, व्हाट इज डैश्ड लाइन, सो हाउ आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मैप. सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द मैप, एंड ऑल्सो वी कैन कॉल इट द फीचर्स ऑफ द मैप. सो द फर्स्ट फीचर वी आर गोइंग टू स्टडी इज साइंस एंड द सिम्बल्स. सो वट आर द साइंस एंड द सिम्बल्स? चलो दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं. दिल्ली में कितने सारे मेट्रो स्टेशन हैं, है ना? देखिए हर थोड़ी थोड़ी देर में एक मेट्रो स्टेशन आ जाता है, राइट? अगर दिल्ली के एक मैप पे मैं सारे मेट्रो स्टेशन के नाम लिखना स्टार्ट कर दूँ, डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. तो अब क्या करें, तो प्रॉब्लम हो गई. अगर मुझे देखना है कि मेरे पास कौन सा मेट्रो स्टेशन है, तो कैसे पता चलेगा? यस, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर जगह को एक सिंबल दे देते हैं या एक अल्फाबेट दे देते हैं. जस्ट लाइक अगर आप अभी मेरी वीडियो देखने के बाद, लेकिन अगर आप दिल्ली का मैप मम्मा के फ़ोन में या डैडी के फ़ोन में खोल के देखेंगे, यू विल सी दैट द मेट्रो स्टेशन आर शोन विद द अल्फाबेट एम. एम सिंबल जहाँ जहाँ भी आपको एम लिखा हुआ नजर आएगा, तो दैट मीन्स इट इज अ साइन और अ सिंबल. ऑल्सो यू हैव सीन पेट्रोल पम्प. पेट्रोल पंप तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ से दिल्ली चले जाओ तो इतने सारे पेट्रोल पंप्स आ जाते हैं, तो सबका नाम लिखना तो पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दैट ऑल्सो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा सिंबल होता है जिसमें एक जग सॉर्ट ऑफ बना होता है, उसमें शो हो रहा होता है कुछ लिक्विड सॉर्ट ऑफ थिंग. सो दैट इज द सिंबल फॉर पेट्रोल. दैट मीन जहाँ जहाँ पे भी वो सिंबल है इन दैट मैप, दैट शोज दैट देयर इज अ पेट्रोल pump. So that is the sign and the symbols of a map. In this video, is video ke saath hi, I will be sending you some picture of the signs and the symbols that you need to learn. Okay? Usme symbols hain kuch state boundaries ki, kuch national boundaries ki, how the temples are shown, how the church are shown. So many symbols are there that you need to learn to understand the language of the map. Clear? The second feature which we are going to discuss is colors. Color तो सबको पता है. Colors, देखो अगर मैं आपको एक map दे दूँ, उसमें मैं बहुत सारी rivers का नाम लिखना start करूँ, this is Ganga river, this is Yamuna river, this is Indus, so आप तो confused हो जाओगे और उस map में इतना ज़्यादा messy हो जाएगा, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी river कहाँ पर है. So for that हम colors use कर लेते हैं. And everyone, I think everyone in class 5 knows which color we use for water.
Yeah, it's blue color. So we have different colors for different things. Like I told you, blue color is for water. And then येलो कलर किस लिए होगा? डेजर्ट के लिए. मैम लेकिन डेजर्ट तो ब्राउन कलर के होते हैं. नो, डेजर्ट्स जो हम शो करते हैं मैप पे, दैट जनरली वी यूज येलो कलर. बट तो फिर ब्राउन किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज ब्राउन फॉर माउंटेन्स और द हाई एरिया, जो नॉर्मल एरिया से उठे हुए एरियाज होते हैं. यू कैन से दैट दैट एरिया कैन बी माउंटेन, दैट एरिया कैन बी हिल्स. एंड वेयर वी आर लिविंग? प्लेन्स में रहते हैं हम लोग. वी आर वी लिविंग ऑन माउंटेन्स? नो. आर वी लिविंग नियर द सी? नो. So that means we are living in plains. And how the plains are shown? The plains are shown with green color. Clear? So this is how we are using colors on a map. Okay, the most important and the next point is the directions of a map. अब मैं आपको एक मैप दे दूं और मैं बोलूं कि मुझे फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी तक जाना है, तो कैसे बताओगे? यस, यू आर गेटिंग द राइट थिंग. मैम लेफ्ट, मैम राइट, मैम सीधा सीधा, या यू टर्न. मैम गलत चले गए तो आप यू टर्न ले लीजिए. राइट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टेल मी. जनरली तो यही करते हैं जब पापा ड्राइव कर रहे होते हैं या मम्मा ड्राइव कर रही होती हैं, तो हम यही कह रहे होते हैं, मम्मा सीधा सीधा चलाओ, मम्मा लेफ्ट टर्न लेफ्ट टर्न, ऐसे ही बोल रहे होते हैं. बट दिस इज राइट. बट ये है क्या लेफ्ट राइट, अप एंड डाउन? तो दीज आर द डायरेक्शंस विच यू आर गिविंग टू योर पेरेंट्स ड्यूरिंग व्हेन दे आर ड्राइविंग. बट हियर इफ वी टॉक अबाउट अ मैप, तो मैप में डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? मैप में वी हैव फोर मेजर डायरेक्शन. वन इज नॉर्थ, वन इज साउथ, वन इज ईस्ट एंड द फोर्थ वन इज वेस्ट. सो दैट मीन्स टोटल वी हैव फोर मेजर डायरेक्शंस. हाउ मेनी डायरेक्शंस वी हैव? फोर मेजर डायरेक्शंस. एंड हर मैप में आपको, जब भी आप कोई मैप देखेंगे, आपको एन लिखा हुआ नजर आएगा एट द टॉप ऑफ द मैप. व्हाट डज दैट एन डिनोट्स फॉर? दैट एन डिनोट्स फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन. एंड इफ यू नो द नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आपको पता ही चल जाए नॉर्थ कहाँ है, तो नॉर्थ के ऑपोजिट आप क्या निकाल सकते हो? साउथ. और जब नॉर्थ और साउथ पता है, तो ईस्ट वेस्ट इजीली पता चल जाएंगे. राइट, सो दीज आर द फोर मेजर डायरेक्शंस. बट व्हाट इफ मुझे ना तो नॉर्थ जाना है ना तो मुझे वेस्ट जाना है, मुझे जाना है कुछ ऐसा डायगनली, तो मैं क्या करूं? अब मम्मा को क्या बोलूं, कहाँ जाओ? सो यस, फॉर दैट वी हैव सम सब डायरेक्शंस ऑल्सो. फोर डायरेक्शंस, फोर मेजर डायरेक्शंस एंड फोर सब डायरेक्शन. जैसे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में वी हैव नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में वी हैव नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में वी हैव साउथ वेस्ट एंड साउथ एंड ईस्ट के बीच में वी हैव साउथ ईस्ट. आई थिंक डायरेक्शंस आर क्लियर. फोर मेजर डायरेक्शंस एंड फोर सब डायरेक्शन. देर आर मोर फीचर्स दैट आई विल टेल यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.